केसरिया सफेद और हरे झंडे में लिपटे ताबूत के नीचे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर था। ताबूत के ऊपर एक तस्वीर रखी गई थी जिसे सफेद माला पहनाया गया था। तीन मूर्ति भवन में उमड़ रहे लोग अपने साथ उस तस्वीर से निकलती भीनी सी मुस्कान वाली छवि लिए लौट रहे थे। ये उत्तर भारत में मई का महीना था। असहनीय गर्मी के कारण बर्फ बार बार पिघल रही थी। एक शख्स बार बार ताजी बर्फ लगाने आ रहा था, तभी एक महिला की आवाज आई, कृपया ध्यान से, उन्हें चोट ना पहुंचाएं। ये वो महिला है जो सात समंदर पार कर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, और जिनके लिए वो आई थी उनके शरीर के चिथड़े बर्फ की सिल्लियों में लिपटकर उसकी कोमलता को निहार रहे थे। ये एक सहज बहु, संघर्षशील पत्नी, बेबस माँ, लेकिन एक असाधारण तेवर वाली महिला की कहानी। वो जब रोई तो पूरा देश उसके साथ रोया, वो जब हंसी तो पूरे देश ने उस मुस्कान को अपने माथे का तिलक लगाया, उन्होंने जब मैंडेट से मिली कुर्सी को ठुकराया तो पूरे देश ने आहें भरी। उसकी एक आवाज से हुकूमत हिलती है, उसके बोलने से निजाम बदलते हैं, सुल्तान बदलते हैं। ये मुसोलिनी के फासीवादी स्टेट से आई एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को समाजवाद का असली पाठ पढ़ाया। ये वो महिला है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को कई बार ठुकराया। आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन, देश की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। इस पृथ्वी पर त्याग की परिभाषा, बलिदान की मूरत, महिला सशक्तिकरण की मजबूत चट्टान किसी एक शख्स के भीतर अपना वजूद तलाशती है तो वो सोनिया गांधी। वो सोनिया जी जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान चट्टान की भांति उनके पीछे खड़ी रही, देश को रोजगार और काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, आदिवासियों को वन पट्टे यानी जमीन का अधिकार, NRHM यानी स्वास्थ्य का अधिकार दिया। वो सोनिया जी जो बीते 2 दशक से धर्म निरपेक्ष शक्तियों के सभी सियासी फैसलों में प्रत्यक्ष रूप से खड़ी रही। राजीव जी और इंदिरा जी के हत्या के बाद जिस लेगेसी ने देश को संभाला, बढ़ाया, सोनिया जी उसके केंद्र में थी। सोनिया जी और राजीव जी का रिश्ता एक आम पति पत्नी का था। सोनिया जी और इंदिरा जी का रिश्ता एक हिंदुस्तानी सास बहू का था। लेकिन इन दोनों के जाने के बावजूद सोनिया गांधी जी और देश का रिश्ता उतना ही पारंपरिक, सुलझा हुआ और प्रेम से भरा रहा। मनमोहन सिंह सरकार में कर्जा माफी, मनरेगा, RTI, महिला बिल जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के पीछे खड़ी मजबूत आवाज यूं ही बुलंद रहे, उनके नाम का परचम यूं ही बुलंद रहे। विश्व पटल पर समावेशी राजनीति को ताकत देने वाली सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।